हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम नया फ़ोन लाए हैं, Xiaomi 11T Pro। तो उसके हमारे साथ हमें इस डब्बे के अंदर से मिला है एक कवर, जो ठीक ठाक कवर है। अगर देखा जाए तो एकदम बढ़िया है कवर, तो कोई दिक्कत नहीं है कवर में, एकदम मजबूत कवर है। और हमें मिला एक 3.5 जैक, और उसके साथ हमें, देख सकते हैं आप लोग क्या है मेरे हाथ में, 120 वोल्ट की चार्जिंग, जो कंपनी दावा करते हैं कि 17 मिनट में पूरा फ़ोन चार्ज आएगा। करते हैं फ़ोन को स्टार्ट, जरा डब्बे को टाइम साइड में, और अब हम करते हैं फ़ोन को स्टार्ट। अगर देखा जाए तो एकदम फ़ोन अच्छा है। अब हम इसकी सेटिंग में जाते हैं, तो इसमें हमें मिलता है MIUI 12.5। अगर 13 देते तो थोड़ा बढ़िया रहता, क्योंकि आजकल लेटेस्ट 13 है, तो चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है। और हमें मिलता है एंड्रॉयड 12 पे, जो एक बहुत बड़ी बात है। तो हम इसके अलग अलग फीचर दिखाते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में हम जाएंगे। यहाँ पे आप जैसे अंदर जा सकते हो, तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज मिल सकता है। आप अपने खुद के हिसाब से बना सकते हो, या आप अपना आप लिख सकते हो, जैसे ये है। यहाँ पे अपना आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे आपको कुछ लिखना हो। और एक ये है, जैसे मुझे अब यहाँ पे लिखना है, तो मैं इसे काट दूँ जरा पूरा। अगर मुझे यहाँ अपने नाम लिखना है, जैसे कि आयुष, तो ये हो गया अप्लाई, तो मैं इसे टर्न ऑन करूँगा, तो ये रहा मेरा नाम आ जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये रहा ऑन डिस्प्ले वाला। जैसे मैं बंद करता हूँ, अब आ जाएगा, ये आ चुका अपने आप। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे आपको कलर वगैरह चेंज करने हो, कहाँ पे जाना हो, साइज तक का है इसमें, तो एक ही अच्छा फीचर है इसमें। और इसमें आपको क्लॉक्स वगैरह मिल जाएंगे, बहुत अलग अलग टाइप के, डिजिटल है। जैसे ये है एक, ये बड़ा प्यारा लग रहा है। इसमें आप कलर भी इसके चेंज वगैरह कर सकते हो जैसे, तो एक बढ़िया फ़ोन है। और अगर इसमें देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ है अंदर भरा हुआ। अब मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ इसकी। और हम अगर फीचर्स की बात करें, तो एक इसमें फीचर है जिसमें हम करते हैं एक बैक डबल टैप वाला ऑप्शन है, जिसमें अगर आप डबल टैप करोगे तो टॉर्च आपकी जल जाएगी, और ट्रिपल टैप करोगे तो आपका कंट्रोल सेंटर। तो आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे मैं अब इसमें कंट्रोल की जगह मैं लगा देता हूँ कैलकुलेटर, और मैं पीछे करता हूँ डबल टैप तो जल गई है लाइट, और डबल टैप करूँगा तो लाइट बंद हो जाएगी। और अगर मैं ट्रिपल टैप करता हूँ तो कैलकुलेटर देखो जैसे ओपन हो गया है। अगर मैं ट्रिपल टैप करता हूँ तो देखो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो ये हो चुका है मेरा कैलकुलेटर ओपन। तो ये फीचर मुझे सबसे बेस्ट लगा है इसमें, कि आप पीछे से डबल टैप करके और ट्रिपल टैप करके कुछ भी कर सकते हो। आपको इसमें चीज़ें मिल सकती है, आप इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसमें आप कैमरा चला सकते हो, फ़ोन को साइलेंट कर सकते हो, मतलब ये चीज़ इसमें बहुत बेटर है। और अगर हम वीडियो की बात करते हैं, तो वीडियो में अगर हमें इसमें मिल जाता है 4K 30 FPS और 60 FPS, और 8K में 30 FPS मिल जाती है। और इसमें एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बढ़िया है, अगर आप देख सकते हो, तो ये रहा मेरी स्क्रीन पे, इसमें ऑडियो जूम। अगर आप कोई दूर आपसे बंदा बात कर रहा है, तो उसकी आवाज़ आपको एकदम अच्छे से पूरी तरह सुनाई दे सकती है। तो ये फीचर मुझे सबसे अच्छा लगा इसमें। तो हम जाएंगे अब डिस्प्ले में। यहाँ पर आपको एक फ़ीचर मिलता है जो बहुत बढ़िया फीचर है, AI इमेज के नाम से। अगर आप इसमें देखोगे तो आपको इसमें एक सुपर रेजोल्यूशन मिल जाएगा वीडियोस के लिए। और अगला आप देखोगे तो एक इमेज के लिए है। अगर आपको ऊपर देखो, आपको फ़र्क दिख जाएगा कि अलग अलग है। ये सिर्फ आपको आपकी गैलरी वगैरह में मिलेगा, ये वीडियो में आपको इसमें कोई मदद नहीं होगी। और एक है HDR, सॉरी। तो इसमें आपको, जैसे आपकी कोई मूवी है जिसमें आपको दिखता है कि ब्लैक है थोड़ा सा, तो एकदम ये उस कलर को एकदम अच्छे से निकाल के दिखाता है। जैसा आप ऊपर डिफरेंस देख सकते हो, इन्होंने पूरा डिफरेंस दिखा रखा है। उसके बाद हम आते हैं MEMC पे, जो एक बहुत बढ़िया फीचर मुझे लगा अभी तक के लिए इसमें। ये अगर आपको कोई भी, जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे होंगे, तो उसे आप देखेंगे स्मूथ में दिखा सकते हैं। जैसे ऊपर देखो आप, आपको डिफरेंस दिख जाएगा, और ये सही में काम करता है। अगर मैंने अभी ट्राई करा था, अगर मैं कोई मूवी देख रहा था अभी, एक्शन मूवी, तो मैंने 15-20 मिनट उसमें करके देखा, और जब हटा के देखा तो उसमें डिफरेंस साफ साफ पता लग रहा था। तो ये बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर, जो मज़ा आ गया मुझे देख के। तो हम नीचे चलते हैं, इसमें मैं जाता हूँ एडिशनल में। तो एक इसमें एक है, इसमें आप अपनी रैम बढ़ा सकते हो, जैसे 3 GB आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी, वो आपकी स्टोरेज लेगी। जैसे मैंने अभी ऑन कर रखा है, तो मेरा फ़ोन है अभी 8 GB वाला, तो अभी 11 GB में कन्वर्ट हो रखा है 3 GB से। इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाँ आपकी थोड़ी स्पेस ज़्यादा लेगा। अगर हम इसके अब कैमरे की बात करते हैं, तो एक इसमें है सुपर मैक्रो मोड, जो मैं अब आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ घंटी से। जैसा आप देख सकते हो, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एकदम अंदर क्लियर, अंदर तक दिखा पा रहा है ये, जो बहुत कम फ़ोनों में दिखता है। अगर मैं,
तो ये देखो, मतलब एक एक डिटेल दिख रही है आपको पूरी कि कैसी है। तो ये फीचर बहुत अच्छा है कैमरे के हिसाब से। मैंने भी कुछ फोटोज़ ली थी, मैंने भी कुछ फोटोज़ क्लिक करी है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये वाली है जो मैंने सुपर से ली है माइक्रो से, आप देख सकते हो क्लियरिटी। और एक ये है, ये मैंने 108 मेगापिक्सल से ली है। अगर आप इसका जूम करके भी देखोगे तो एक एक डिटेल आपको अच्छे से दिख पा रही है पूरी। तो मतलब कैमरे के मामले में इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर देखा जाए तो कैमरे में एकदम देखा जाए एकदम बढ़िया है। ऐसा अगर मैं ये वाली जूम करके दिखाऊं तो आपको पूरी एक एक डिटेल आपको साफ साफ दिख रही है। तो फ़ोन में अगर कैमरे में आप जाते हो तो ये सबसे बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। अगर मैं अब सेल्फी कैमरे की बात करूँ तो एकदम ठीक ठाक फोटो आई है, मतलब इतना बढ़िया नहीं बता सकता मैं कैमरा पर। हाँ फोटो आपकी एकदम सही है, कोई आपके पिक्सल फट नहीं रहे अगर आप देखो तो। अब मैं आपको दिखाता हूँ पोर्ट्रेट मोड में एक फ़ोटो, जैसा आप लोग देख सकते हैं मेरे दोस्त की फ़ोटो है जिसने मेरे अभी फ़ोन से फ़ोटो ली थी पोर्ट्रेट मोड में। अगर इसमें आप देखें तो बिल्कुल एकदम बढ़िया है, अगर साइड में भी देखें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अगर बालों को भी ऊपर देखें तो पोर्ट्रेट मोड एकदम इसने बेटर लिया है जो बाकी फ़ोन से अगर मैं कंपेयर करूँ तो पोर्ट्रेट मोड में कोई इसमें दिक्कत नहीं है, साफ साफ देख सकते हैं आप लोग। और अगर हम वीडियो की बात करते हैं तो वीडियो में अगर हमें इसमें मिल जाता है 4K 30 FPS और 60 FPS, और 8K में 30 FPS मिल जाती है। और इसमें एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बढ़िया है, अगर आप देख सकते हो तो ये रहा मेरी स्क्रीन पे, इसमें है ऑडियो जूम। अगर आप कोई दूर आपसे बंदा बात कर रहा है तो उसकी आवाज़ आपको एकदम अच्छे से पूरी तरह सुनाई दे सकती है। तो ये फीचर मुझे सबसे अच्छा लगा इसमें। अब हम चलते हैं इसकी गेमिंग की बात करते हैं पबजी की, कि कैसा रहेगा पबजी का एक्सपीरियंस। थोड़ा नीचे कर ले, तो हमारी HDR जरा डाउनलोड हो रही है, थोड़ी सी रहेगी तो इतने में आपको इसमें नए नए एक और फीचर दिखाता हूँ। अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो यार आपका रिकॉर्डिंग के लिए, और आपको अगर ये चाहिए टाइमर वगैरह, अगर आप चाहते हो कि आप एक साथ कास्ट करो बंद कर दोगे आप स्क्रीन, और अगर आपको कास्टिंग करनी है इसमें तो आप कास्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको बड़े TV में चलानी है तो ये भी आपसे परमिशन मांगेगा, तो एक अच्छा फीचर है। अब देखो मैं जैसे Ultra HD में कर दिया है मैंने, और ये वाला भी है नहीं इसमें, कमिंग फोन है तो उसका फ़ायदा नहीं है अभी। तो अभी हम करते हैं बैक, अब हम अल्ट्रा में हम खेलते हैं एक बार। अब हम चले ट्रेनिंग में, कर स्मूथनेस तो एक नंबर है इसमें। देख ही सकते हैं आप लोग, तो गेमिंग परफॉर्मेंस में तो एकदम बढ़िया ही है। अगर अब मैं आपको इसके अगर साउंड की बात करा दूं तो इसमें डुअल स्पीकर मिलते हैं आपको, एक ऊपर और एक नीचे। अगर हम इसके अब साउंड की बात करते हैं साउंड इसकी एक नंबर है। और इसमें आपको एक IR ब्लास्टर मिल जाता है जिससे आप अपना TV वगैरह कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो, आपको सोफे से उठने की ज़रूरत नहीं है, रिमोट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये हर चीज़ करता है। और अगर इसकी हम बात करें तो इस रेट में अगर आप कोई फ़ोन लेना चाहो तो ये सबसे बेस्ट फ़ोन रहेगा। मैंने मेरे वाला वेरियंट है 8 GB और 256 GB की स्टोरेज है इसके अंदर, तो और नंबर है। और इसके एक मेन फीचर की बात करते हैं जो है इसमें क्लोन मोड, जो है ये क्लोन मोड जिसमें आप अलग अलग तरीके की वीडियो बना सकते हैं, जो एक बहुत बढ़िया फीचर है। जिन्हें रील्स वगैरह का शौक है बनाने का तो उनके लिए बेस्ट रहेगा फ़ोन। और इसमें एक आपको मिलता है डुअल वीडियो जिससे आप अपने आगे और पीछे की दोनों चीज़ की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर हम फ़ोन की बात करते हैं तो फ़ोन पूरा एक बढ़िया फ़ोन है। पीछे आपको बैक मिल जाती है एल्यूमिनियम विक्टस का, विक्टस प्रोटेक्शन है इस फ़ोन में। तो अगर फ़ोन की आप बात करते हो तो एकदम बढ़िया है, पर इसमें कमी है, इसमें 3.5 जैक नहीं है तो आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके लिए। और इसमें आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, जो कंपनी दावा कर रही है कि आपको 17 मिनट पूरा चार्ज करके दे देगी, पर आप लगा लो ये आपको मैक्सिमम 20 से 22 मिनट में पूरा चार्ज कर देती है।
तो ये रही मेरी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।